हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक लंच रेसिपी लेके आई हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी पीनट मसाला बैगन बनाना। क्विक, इजी एंड इंस्टेंट रेसिपी है। ये भी बहुत कम ही समय में बन जाता है। बहुत ही टेस्टी एंड यमी रेसिपी है ये। और फ्रेंड्स, इसे आप पूरी पराठा किसी से भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें मसाले को पीसना है। तो सबसे पहले मैंने रोस्टेड पीनट लिया है। मूंगफली को मैंने भूनकर छिलका निकाल लिया है। तो 100 ग्राम ऑफ पीनट। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमें इसे ब्लेंड करना है पानी के साथ। 1 टेबलस्पून के बराबर सेसमी सीड लिया है, यानी तिल के दाने को मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया हल्का सा। 1/4 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है मैंने, टर्मरिक, चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। तो ये हम भर के बैगन नहीं बनाएंगे, मसालेदार बैगन है ये। तो अब हम इसे पीस लेंगे फाइन पेस्ट में। तो इस तरह से हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हमें ऑयल डालना है और मीडियम फ्लेम पर हम कुकिंग करेंगे। अब ये मैंने स्मॉल साइज के बैगन लिए हैं और इसे बीच से स्लिट किया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में ढककर। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट ऐड करने से हमारा जो ब्रिंजल है बैगन जल्दी पकेगा। 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब हम इसे पका लेंगे, बीच बीच में ढक कर पकाएंगे और चलाते हुए। तो हम बीच में चेक करते रहेंगे और पलटते हुए पका लेंगे हल्का सॉफ्ट होने तक। तो ये हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया। 3 से 4 मिनट लगे हैं इसे पकने में। बाकी मसाले में हम पकाएंगे। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ फ्राई किए हुए बैगन को। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर और ऑयल डालूंगी और इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड यानी सरसों, 1 टीस्पून फेनल सीड सौंफ और 1 टीस्पून के बराबर मैंने निगेला सीड ऐड किया यानी कलौंजी। अब मैं 1 टीस्पून के बराबर हींग ऐड करूंगी और इसे हमें 30 सेकेंड्स के लिए पका लेना है। फ्लेम हमें मीडियम टू स्लो रखना है। अब मैं इसमें अनियन ऐड करूंगी। तो 2 बड़े अनियन लिए हैं मैंने स्लाइस किए हुए, प्याज को स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो अनियंस हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें पीनट मसाला ऐड करूंगी। 1 कटोरी के बराबर टोमेटो प्यूरे ऐड करना है। तो टमाटर को मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक लीव्स को ऐड करूंगी, कसूरी मेथी क्रश किया हुआ। अब इसमें कुछ मसाले हम और ऐड करेंगे, स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो मैंने 1/4 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। हल्दी, धनिया और मिर्ची को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए बैगन ऐड करूंगी यानी ब्रिंजल। अब मसाले के साथ ही हमें इसे पकाना है। सॉल्ट ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट।
तो सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया था बैगन में फ्राई करने के वक्त, इसलिए थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड करूंगी और इसे ढककर पकाना है। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, तो हम इसे ढक देते हैं और पकाएंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स हम चेक कर लेते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं बीच बीच में हिलाते हुए। अब हम इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पर कंटिन्यूस चलाते हुए, जब तक हमारा मसाला अच्छे से कोट ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप चाहे तो इसमें अपने अकॉर्डिंगली वाटर एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं गाढ़ा मसाला बना रही हूँ। अब मैं इसे 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे चलाते हुए। ग्रीन चिलीज ऐड करना है। 3 to 4 स्लिट किए हुए हरी मिर्च को मैंने स्लिट किया है और इसमें मिला देंगे। तो मसाला हमारा गाढ़ा होते जाएगा और बैगन में अच्छे से कोट भी हो जाएगा। तो ये हमारा मसाला बैगन अच्छे से पक चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करूंगी बारीक काट के, धनिया पत्ता, गरम मसाला ऐड करूंगी, ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये हमारा मसाला पीनट बैगन बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी एंड यमी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लस बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।